क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा प्रश्न है। ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी पहले प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो सात हैं। इसके लिए हमें पहला प्रश्न देखना पड़ेगा। पहले प्रश्न में हमने विभाजन प्रक्रिया किए बिना ये देखा था कि दशमलव प्रसार सात है या नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट भाग था तो उसका जो दशमलव प्रसार था वो सात आया था। तो बच्चों आपने फर्स्ट क्वेश्चन जब कर लिया होगा उसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ उनके ही दशमलव प्रसारों को लिखना है जो सात है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के जिस भाग का उत्तर सात दशमलव आया वही भाग सेकंड क्वेश्चन में होगा, दूसरे भाग सेकंड क्वेश्चन में नहीं होंगे। जैसे सेकंड भाग का इसके थर्ड पार्ट का उत्तर आया था कि यह असात आवर्ती है तो यह सेकंड क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था 13/3125 जिसका हमने दशमलव प्रसार लिखा 13/5 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि 3125 का जब हमने दशमलव प्रसार निकाला था तो आया था 5 × 5 × 5 × इस प्रकार से 5 की पावर 5 आया था। अब इसे कैसे हमने दशमलव में लिखना है वो समझिए। बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले रकम को 13 को ऐसे ही लिखेंगे, नीचे है 5 की पावर 5। अब इसको यदि 10 बनाना हो, हमने कोशिश ये करनी है इसको 10 बनाने की। कैसे बनेगा, 5 की पावर 5 है तो यहां 2 की पावर भी 5 आएगी। अगर नीचे 2 की पावर 5 आई है तो ऊपर भी 2 की पावर 5 आएगी। अब ये 2 की पावर 5 हमने क्यों लिखा, ताकि अगले स्टेप में नीचे इसकी भी पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 है, जब 5 की पावर हो जाए कॉमन और अंदर बच जाए 5 पावर बाहर चलेगी, बाकी रह गया 5 × 2। 5 × 2 होता है 10। ठीक है बच्चों, हमने ये क्यों किया, ताकि हमारे पास नीचे 10 आ जाए। करने का तरीका एक बार दोबारा समझो, हमने क्या किया, यहां हमारे पास था पहले था ये 5 की पावर 5, तो हमने मैंने देखा कि 5 × 2 = 10 होता है। यदि इसकी पावर 5 है तो 2 की पावर 5, यदि इसकी पावर 5 की पावर 3 होती तो मैं लिखता 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 होती तो मैं लिखता 2 की पावर 4, 5 की पावर 8 होती तो मैं लिखता 2 की पावर 8, ताकि वो पावर पावर सेम हो जाए और 5 × 2 बन जाए। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर है 13 × 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बारी, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ये आ गया ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं 32 को 13 से गुना कर दूंगा, 32 को 13 से गुना कर दूंगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, तो ये आ गया 6, 9 × 2 = 11, हासिल आया 1, 3 × 1 = 4, तो ये आ गया 416 बटा नीचे हमारे पास बन गया 5 × 2 = 10, 10 की पावर 5। इसका मतलब है 416/10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो हमने लगा दिए। अब इसको हल कैसे किया जाता है, ये बड़ा आसान है बच्चों। हम चाहते तो 13 को 5 की पावर 5 से भाग भी कर सकते थे, वो बहुत बड़ा हो जाता, ये इसका आसान तरीका है। कभी भी किसी के भी नीचे 1 और उसके पीछे 0, 0, 0 हो तो हम क्या करें, जो हमारा अंश है 416 इसको ऐसे ही लिखें। अब हम 0 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, दाहिने हाथ से 5 छोड़ के दशमलव लगाना है। 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, आगे छोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो 0 लगाते रहो, 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, दोबारा देख लो, 1, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, 5 छोड़ के दशमलव लगा दिया, और दशमलव से पहले यदि कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमने इसका दशमलव प्रसार लिख दिया 0.00416। ये इसको करने का तरीका है। आपको ये ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा चला के देखिए, ये बहुत आसान है। आइए मैं एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। इसका दूसरा भाग था 17/8, यह भी 7 था क्योंकि इसमें भी दशमलव में 2 की पावर 3 आया था। ठीक है जी, अब ये 17/2 की पावर 3 है।
हमने नीचे बनाना होता है 10, ये याद रखना बच्चों। तो ऊपर 17 को ऐसे ही लिखेंगे, नीचे है 2 की पावर 3। पिछली बार हमारे पास 5 की पावर थी तो हमने 2 लिखा था, 5 को 2 से गुना करके 10 आया। इस बार हमारे पास 2 लिखा है, 2 को किससे गुना करेंगे तो 10 आएगा, 5 से। लेकिन सिर्फ 5 से नहीं, 2 की पावर 3 है तो पावर सेम होनी चाहिए ताकि वो ब्रैकेट में इकट्ठी पावर लिखी जा सके। तो 5 की भी पावर आएगी 3, 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 3 की पावर 3 रह जाएगी। अगर नीचे 5 की गुना 3 से गुना किया है तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नीचे आ गया, देखो यहां 2 की पावर 3, यहां 5 की पावर 3, ये ब्रैकेट के बाहर पावर 3 इकट्ठी हो जाएगी और अंदर बन जाएगा 2 × 5। ऊपर बन गया 17 × 5 की पावर 3, 17 × 5 की पावर 3 होती है 5, 5 × 5 = 25 और × 5 = 125, तो ये आ गया 125। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले किया था, नीचे बन गया 2 × 5 = 10 की पावर 3, ऊपर बन गया 125 × 17। मुझे 17 का पहाड़ा याद है, मैं सीधे इसको गुना कर रहा हूं, 17 × 5 = 85, हासिल आया 8, 17 × 2 = 34 और 8 = 42, हासिल आया 4, 17 × 17 = 21, तो ये आ गया 2125। अगले स्टेप में ऊपर है 2125, नीचे है 10 की पावर 3, यानी 10 × 10 × 10, 30, 10 की पावर 3 का मतलब 0 की पावर 3, मतलब 30 लगा दो। अब जो दोबारा देख लो बच्चों, अगर नहीं समझ आया तो 2125 को पहले तो हम अंश को ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद 0 गिनो, 1, 2, 3, 0, राइट हैंड साइड से 3 छोड़ के दशमलव लगा दो, 1, 2, 3, तो दशमलव यहां लग, ये निशान गलती से लग गया है, तो दशमलव यहां लग गया, तो ये हमारे पास बन गया 2.125, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जिन भागों का उत्तर 7 दशमलव आया था सिर्फ उन्हीं को सेकंड क्वेश्चन में हल करना है। थैंक यू।